हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटर। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का फिफ्थ लेक्चर। ठीक है, आज हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के स्पेशली। एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है ये पटवारी एग्जाम के लिए और भी जो जिसमें एग्रीकल्चर आता है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी ये वाले क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आरआरबी बैंकिंग, ठीक है, आरबीआई, ये वाले क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज किंग ऑफ फ्लावर्स। किंग ऑफ फ्लावर इज रोज, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किंग ऑफ फ्लावर इज रोज, क्वीन ऑफ फ्लावर इज ऑर्चिड्स। क्वीन ऑफ फ्लावर इज ऑर्चिड। किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, क्वीन ऑफ फ्रूट लीची। ठीक है, इजी है बट कंफ्यूजन रह जाती है कि किंग कौन सा, क्वीन कौन सा, फ्रूट है, फ्लावर है। एक तरह से इसको याद करना और इस तरह से मटेरियल मिलना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, किंग ऑफ फ्लावर रोज, क्वीन ऑफ फ्लावर इज ऑर्चिड, किंग ऑफ फ्रूट मैंगो एंड क्वीन ऑफ फ्रूट इज लीची। नेक्स्ट इज किंग ऑफ नट्स एलमंड। किंग ऑफ नट्स एलमंड, क्वीन ऑफ नट्स इज मैकाडामिया। ठीक है, क्वीन ऑफ नट्स इज मैकाडामिया। किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट, क्वीन ऑफ सीरियल्स मेज। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली किंग पूछा जाता है बट आजकल के एग्जाम्स में क्वीन भी पूछा जाने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है होम ऑफ स्पीसीज। सबसे ज्यादा जो मसाले हैं वो कहां पे होते हैं, इन इंडिया, इसलिए मसालों का घर हिंदी में जैसे कहते हैं मसालों का घर किसे कहा जाता है, इंडिया। ओके, अब किंग ऑफ स्पीसीज इज ब्लैक पेपर, क्वीन ऑफ स्पीसीज इज ग्रेडेमोन। ठीक है, किंग ऑफ स्पीसीज ब्लैक पेपर, क्वीन ऑफ स्पीसीज ग्रेडेमोन। किंग ऑफ पल्सिस ग्राम, क्वीन ऑफ पल्सिस पी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ पल्सिस ग्राम, क्वीन ऑफ पल्सिस पी। किंग ऑफ ऑयल सीड मस्टर्ड, क्वीन ऑफ ऑयल सीड सीसम। ठीक है, अब है किंग ऑफ फोडर क्रॉप इज बारसीम एंड क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप इज ल्यूक्रीन। ठीक है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप बारसीम, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप इज ल्यूक्रीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे है हमारे पास किंग ऑफ वेजिटेबल। किंग ऑफ वेजिटेबल इज ब्रिंजल एंड क्वीन ऑफ वेजिटेबल इज पोटैटो। ठीक है, किंग ऑफ वेजिटेबल इज ब्रिंजल, क्वीन ऑफ पोटैटो, क्वीन ऑफ वेजिटेबल इज पोटैटो। किंग ऑफ बेवरेज इज कॉफी एंड क्वीन ऑफ बेवरेज इज टी। कॉफी टी, किंग कॉफी, क्वीन टी। वेजिटेबल मीट, अब वेजिटेबल मीट इज काउ पी। ठीक है, वेजिटेबल मीट इज काउ पी एंड वेजिटेरियन मीट इज मशरूम। हल्का सा डिफरेंस है, वेजिटेबल मीट इज काउ पी, वेजिटेरियन मीट इज मशरूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाले। नेक्स्ट इज व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड इज कॉल्ड कॉटन, कॉटन इज व्हाइट गोल्ड, ग्रीन गोल्ड इज ओपियम। ठीक है, ग्रीन गोल्ड इज ओपियम। सेंचुरी प्लांट डेट पाम, सेंचुरी प्लांट इज डेट पाम। नेक्स्ट इज पुअर मैन्स फ्रेंड। ये सारे जो पुअर मैन्स वाले हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुअर मैन्स फ्रेंड, ठीक है, इज पोटैटो। ठीक है, अब पुअर मैन्स फूड इज पर्ल मिल्ट। फ्रेंड कौन है, पोटैटो, फूड कौन है, इज पर्ल मिल्ट। अब पुअर मैन्स फ्रूट इज बेर, पुअर मैन्स फ्रूट इज बेर। अब किंग ऑफ एरिड फ्रूट
इज ऑल्सो कॉल्ड बेर. किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज बेर एंड पुअर मैन्स फ्रूट इज बेर. ठीक है, पुअर मैन्स ऑरेंज टमाटो. ठीक है, पुअर मैन्स एप्पल गुआवा. ओके, जैसे अब पुअर मैन्स फ्रेंड पटाटो, पुअर मैन्स ऑरेंज टमाटो. ये रेड कलर का होता है ऑरेंज. ठीक है, टमाटो. क्वीन ऑफ वेजिटेबल पटाटो, पुअर मैन्स फ्रेंड पटाटो. ठीक है, इस तरह से आप अपना लिंक बना लीजिएगा. किंग ऑफ बेवरेज कॉफी. ठीक है, क्वीन बेवरेज इज टी. वेजिटेबल मीट, मीट में मींस काउ, ऑपोजिट हो गए ना इस तरह से. अब वेजिटेरियन मीट इज मशरूम. ओके, व्हाइट गोल्ड कॉटन, ग्रीन गोल्ड इज ओपियम. सेंचुरी प्लांट डेट पाम, पुअर मैन्स फ्रंट पटाटो, पुअर मैन्स फूड इज बर्ल मिल्ट, पुअर मैन्स फ्रूट इज बेर. अरिड फ्रूट भी कौन सा है, इज बेर. ऑरेंज, पुअर मैन्स ऑरेंज टमाटो, पुअर मैन्स एप्पल गुआवा. ये क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.